हफ्तों के बाद येसु ने फिर अपने आप को तिबरियास झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शिमोन पत्रस और तोमा जो तवाम कहलाता है और नितनेल जो कानाई गलील का था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से दो और शख्स जमा थे। शिमोन पत्रस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही येसु किनारे पर आ खड़ा हुआ मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये येसु है। बच्चों, क्या तुमने कुछ पकड़ा है? नहीं, कुछ नहीं। कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने जाल डाला और मछलियों की कसरत से फेर ना खींच सके। उस शागिर्द ने जिससे येसु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर के खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए। क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था, जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। जो मछलियां तुमने पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। शिमोन पतरस ने चढ़कर 153 मछलियों से भरा जाल किनारे पर खींचा लेकिन बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। आओ खाना खा लो। शागिर्दों में से किसी की जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि वो खुदावंद ही है। येसु आया और रोटी लेकर उसे दी, इसी तरह मछली भी ली। येसु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ और जब वो खा